और रुके, फिर ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। डिस्क ब्रेक ऐसी द ओनली थिंग इज आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपने उसको लगाना कैसे, उसको कभी भी फुल नहीं दबाते। हम तो यामाहा में आती हुआ है जी, उसको कभी भी फुल नहीं दबाना। या तो उसको आपने बड़ा थोड़ा दबाना, प्रैक्टिस करें पहले कच्ची जगह पे, इजी जगह पे, फिर उसके बाद जब बहुत तेज स्पीड पे आपको आ जाए फिर आप क्लिक देके उसको रोक सकते हैं। ठीक है, सारी दुनिया में 80% पहले वाली ब्रेक, फ्रंट वाली ब्रेक पे चलते हैं और थोड़ी सी पीछे वाली लगाते हैं। असली उल्टा चल रहे हैं, हम पीछे वाली लगाते हैं और जब ब्रेक लगाते हैं, जब गाड़ी में ब्रेक भी लगी हुई है, आगे वाली गाड़ी में बस यार बाइक को छोड़ के उससे भी आगे जाके गिरते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हमने उसको पीछे से रोक लिया, वो हमें लेके जा रही है। आप समझे, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कभी भी मोड़ पे टर्न पे वो नहीं लगाते, उधर को गिरा ही नहीं, जैसे भी आगे चले जाओ। ये समझिए आप आगे। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट में कहा था, कुछ इसकी तरफ समझ आई आपको, आगे चलो। अच्छा बच्चों, अब ये बड़ी कीमती चीज है, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि ये चीजें बेटियां हैं, भाई हैं, जो भी है, सारे समझे और उसको फिर आगे शेयर करें सोसाइटी में। आपके जिस्म में दो सबसे कीमती चीजें हैं, जिसकी हेड इंजरी होती है ना बच्चों, उसकी फौरन डेथ हो जाती है। मतलब आप बल बिल्डिंग करते हुए लोग देखोगे, रेस के लाते हुए देखोगे, तो होता क्या है कि बाइक देखती है लड़के किनारे, तो जो ग्रीन बेल्ट होती है उसकी कॉर्नर पर ये चीज रहती है। यहाँ पे कहीं पे कुछ भी जगह है इस साइड पे, कोई पॉइंट है आज तक नहीं साइंस मेरे ख्याल में पहुंच चुकी कि वो कौन सा पॉइंट है, कहाँ से डेथ कॉज होगी। उसकी आपको सिंपल सी निशानी बताऊं कि वो बॉल से कितनी डेथ हुई अभी तक है, क्रिकेट बॉल से कितनी डेथ हुई आपको पता है, क्रिकेट बॉल से 3 डेथ होती है। आप लोगों को पता, जो जिन लोगों को नहीं पता लगता, जो छोटे लेवल पे हो जाती है, 3 डेथ हो चुकी है क्रिकेट बॉल से। आपको पता है क्रिकेट का मैच देखो, हेलमेट के पीछे भी यहाँ पे कवर लगा दिया गया, पहले नहीं था। अब समझे, अब ये रोड पे लोग ऐसी मत करते हैं। दूसरा, एक इससे भी बुरी मौत है, वो मौत भी नहीं है, वो ये है कि अगर आपको बैक बोन पे इंजरी होती है उसे डेथ कॉज नहीं होती, लेकिन वो बंदा किसी चौका नहीं रहता। किसी चौका से मुराद ये कि आप बैठे हुए हो ना, आप बैठ नहीं सकते। अगर उस बंदे को बिठाएंगे वो इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, कभी बैठ नहीं सकते। उसको अगर खुद उसने हाथों से कुछ खाना है तो उसको कोई पकड़ेगा, या उसको हाथों से कोई पकड़ेगा तो खिलाएगा, और वो क्या कहेंगे उसको, बताजी या दूसरों पे आ गए, दूसरों के सहारे पे, वो उससे भी बुरी मौत है, जोहर कमा की मौत। ये दोनों चीजें आपकी मोटरसाइकिल कई वेरीज में आती है। बंदा नीचे गिरा, पीछे से गाड़ी बड़ी तेज, उसे ब्रेक नहीं लगी, उसने बैकवर्ड पर मार दिया, खुद नहीं था। बंदा नीचे गिरा, जब वो गिर रहा था किसी वजह से टांग फंस गई, तो किस शेप में गिरा, मैं यूं गिरा नीचे, मुझे यही पड़ी थी मेरी बैकबोन में। आपने कभी किसी की सिर्फ ये सुना कि उसकी डिस्क हिल गई है, वो यूं चल रहा है ना, एकदम तेज नहीं वो चल सकता, वो जरा सा तेज चलेगा कि इतनी सी उसके पाँव में धमक आई नहीं और उसके पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है समझे, आपकी ये बॉडी में दो कीमती तीन चीजें हैं, एक हेलमेट से आप बचा सकते हैं उसको, दूसरा दूसरे की भी आज देश बाहर चीजें मिलती हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लाहौर के दूसरे कॉर्नर से भी आते होंगे ना, आप कितना ट्रैवल करके इधर आते हो, आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें आपको सेव करनी चाहिए, कि आप जैसे तीनों से भाई वाले अंकल कोई ना कोई ज़्यादा ट्रैवल करता होगा बाइक, कोई ना कोई बीच में किसी बड़ी रोड से गुजरता होगा जहाँ पे गाड़ियों वाले अंधे होके चलाते हैं। मतलब ये और ये है, ये कीमती तरीन चीज़ है। मैंने आपको इसलिए कहा, साइंस उस तक नहीं पहुंच सकी, ये कौन सी चीज़ क्या क्या कर रही है। ये आपने कहीं, मैं मेरे एक अजीज हैं इस तरह की, वो वाटर कैरिंग की बैक साइड में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से उनकी बड़ी एज है लेकिन मेरे से फिजिकली स्ट्रांग थे, आज उनकी ये हालत है कि वो कार में आते हैं ना तो उसको 3 बंदे बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉल बनता है तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। एक सर्जरी हुई, दूसरी हुई, और हर सर्जरी में डॉक्टर पहले उसकी बहन भाइयों से साइन कराता है कि ये मर गया तो हमारा 3 सर्जरी हो चुकी है। ठीक है अब समझे, अब
अब जैसे वो आपको मैं बता रहा था ना, जो एक दफा मैं मेरा एक दोस्त था फॉरन में, तो बड़ा सीनियर मोटाइटिस्ट है, उसने मुझे ना एक रिसर्च शेयर की फ्रांस की मेडिकल यूनिवर्सिटी की, बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी थी। उसने कहा मोहम्मद हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च चाहिए कि 20 किलोमीटर की स्पीड इज इनफ टू कॉज हेड इंजरी, हेड इंजरी 20 किलोमीटर की स्पीड, 20 किलोमीटर पे आप में से कोई स्ट्रांग हो ना तो वो साइकिल चलाता है नॉर्मली, ऐसा ही है। अब मैं अपने क्लब में एक दोस्त को बता रहा, सीनियर वो डॉक्टर थे, उनको जो बताया वो मुझे कहते किसने बताया, मैं क्या वो हेड्रिक ब्लासमर है, तो वो उनका भी दोस्त है, तो उन्होंने कहा उसको शेयर करना, मतलब आज से फॉर एग्जाम्पल इट इज अबाउट 40-45 ईयर्स बैक, समनाबाद में एक बड़ा मशहूर मोटरसाइकिलिस्ट था जिसकी 6 फीट से ज्यादा हाइट थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसकी डेथ हुई थी और स्पीड वॉज 5-10 किलोमीटर, उसके सर के ऊपर घर का गेट लग गया, बाइक अंदर करने लगा, बाइक मारी गेट को, गेट गया दरवाजे को टकरा के दीवार को वापस आया, जब वापस आया उसको जो अंदाजा था वो किसी से बात कर रहा था पीछे, उन्होंने देखा नहीं उसमें से गेट वापस आ चुका था, जब पहुंचे तो उसका कॉर्नर भी आने लगा, बाइक अभी खड़ी कर रहे थे गिरना शुरू हो गया, तो उस वालदा ने अंदर से आवाज़ दी आ गए आ गए, वो पूछा जवाब ही नहीं दिया, काफ़ी देर वो नीचे गिर चुके थे जिससे बात कर रहे थे वो उसने कहीं देखा वो गिरे हुए आया उठाया तो उनकी डेथ हो गई, समझे कितनी ये क्रिकेट का आपको इसीलिए बताया कि अगर क्रिकेट बॉल ये कर सकती है ना तो आप सोच लो कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली और किस किस के बीच में से गुजरने जाते हैं, बसों के बीच में से गुजरने जाते हैं और किसी को कुछ नहीं होता कि वो ये भी है वो बंदों को मार के चला जाए,